हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। मैं आज आपको मिक्स वेज का दाल चा दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। मैंने उसके लिए 1/2 kg मटन लिया है, मैंने इसका फैट रिमूव कर लिया है और अच्छे से धो लिया है, और मैंने प्याज 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं मैंने इस तरह से लंबे लंबे, और मैंने चने की दाल ली है 150 ग्राम्स और तूर दाल ली है 150 ग्राम्स। तूर दाल और चने की दाल का दो भी मिक्स करके बनाने से दाल चा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और मैंने ली है हल्दी, मिर्च, धनिया, इमली का पल्प, थोड़ा सा नमक, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और खड़ा साबुत गरम मसाला लिया है, दालचीनी, लौंग और इलायची। अभी चलिए करी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर को गरम कर लिया है, मैं इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करूंगी। मैं दालचीनी, लौंग और इलायची को ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। इसको मैं थोड़ा पिंक होने तक भून लूंगी। देखिए प्याज अभी पिंक हो चुकी है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और इसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी मैं। ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। मटन को मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ा, 1 मिनट तक। अगर आप बिना मटन के बनाना चाहते हैं तब भी ये दाल चावल बहुत टेस्टी बनता है। अभी थोड़ा भून चुका है, मैं इसमें मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, मैं थोड़ा और ऐड करूँगी। हल्दी, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मसालों को कच्चापन जाने तक। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। आप करी इसमें हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ करें। अभी थोड़ा भुनने के बाद मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूंगी। मैं अभी 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। मैं अभी इसमें दाल ऐड करूंगी। मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, हम दाल को भी गोश्त के साथ ही गला लेंगे, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें पानी थोड़ा कम है दाल गलने के लिए, मैं 1 और ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं कुकर को बंद कर दूँगी 5-6 विजल के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुकर को अभी मैं खोल रही हूँ, देखिए दाल कितनी अच्छी से गल चुकी है। अभी मैं इसे मटन अलग कर लूँगी। मटन अलग करके मैं दाल को घोटनी के साथ घोट लूँगी। देखिए मैंने दाल को अच्छे से घोट लिया है इस तरह से। अभी मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है दाल। मैंने मटन निकाल लिया था, वो मटन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और इमली का पल्प। अभी मैं पूरी सब्जियों को इसमें ऐड करूंगी, कद्दू, फल्ली और बैंगन। बैंगन को मैंने इस तरह से काट लिया है लंबे टुकड़ों में।
और मैंने हरा धनिया लिया है वो भी ऐड करूँगी, करी पत्ता और पुदीने को, इन सबको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, पानी को चेक कर लूँगी मैं एक बार, और मिर्च नमक को भी एक बार चेक कर लूँगी, ये गाढ़ा है। अभी मैं एक गिलास और पानी ऐड करूँगी और मैं कुकर को बंद करके 2 विजल तक रखूँगी और मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी कुकर को खोल लिया है, कितना टेस्टी है और कितना कलरफुल दालचा बना है। मैं अभी इसे सर्व करती हूँ। देखिए मैंने दालचे को डिश आउट कर लिया है, कितना टेस्टी दालचा बना है। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। आप मेरी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।